हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए किसे वर्ष 2017-18 के लिए 31वें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो ये हाल में भी चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं, इनको ये दिया गया है अवार्ड 31वां इंदिरा गांधी पुरस्कार। और मैं इनको बता दूं कि जो चिपको आंदोलन था उसके ये प्रणेता थे, और चिपको आंदोलन जो है आपका 1970 में ये हुआ था, 1970 में उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। और जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। आज का हमारा प्रश्न है, भारत के कितने विरासत स्थलों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2019 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स के लिए चुना गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। एक सही जवाब है, कमेंट करके इसको जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। पहला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को किस जनजाति के कला वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार का जो स्थापना दिवस है, यानी कि 1 नवंबर, तो 1 नवंबर 2019 को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो हमारी मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति है उसके कला वर्ष के रूप में। मध्य प्रदेश की जो गौंड जनजाति है या गौंड जनजाति है, भारत की पहली सबसे बड़ी गौंड जाति है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी गौंड जनजाति की बात करें तो वो कौन सी है आपका? वो है आपकी भील जनजाति। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है, गौंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी है। हालांकि अगर हम बात करते हैं 2001 की जनगणना के हिसाब से, तो गौंड जनजाति ही सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इनके जो कला है गौंड जनजाति की, और इनके जो विशिष्ट कार्य हैं, इनको पूरे देश में प्रसारित करने के उद्देश्य से ये इस बार जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम रहवासियों को प्रदेश के गौरव से जोड़ सकते हैं, तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। अब यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गौंड जनजाति की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो गौंड जनजाति है ये प्रमुख रूप से पाई कहाँ जाती है। देखिए, भारत का एक सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये प्रमुख रूप से पाई जाती है आपकी यहाँ, ये आपका जो मंडला है, एक तो आपका मंडला जिला में, डिंडोरी जिला में, बालाघाट जिला में, छिंदवाड़ा में, सिवनी में, ठीक है, ये प्रमुख जो जिले हैं यहाँ पर ये गौंड जनजाति आपकी पाई जाती है। तो हम बात करें संभाग लेवल की बात करें तो कहाँ पे है? जबलपुर संभाग में प्रमुख रूप से पाई जा रही है। और अगर हम छिंदवाड़ा की ही बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में सर्वाधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है, मतलब अकेले छिंदवाड़ा में ही 6.2 लाख इनकी जो जनसंख्या है वो है। ठीक है, और इनका जो संबंध है इस जनजाति का, वो प्राक द्रविण प्रजाति जो होती है, प्राक द्रविण प्रजाति, उससे इनका संबंध है, प्राक द्रविण प्रजाति से। ठीक है, इनकी जो मुख्य भाषा होती है वो है आपकी गोंडी भाषा और डोरली भाषा। अब चूंकि कला की यहाँ पे बात करी गई है, तो कला में हम बात करें अगर इनका, तो देखिए इनके यहाँ एक विधवा विवाह है, बहु विवाह है, जो मतलब एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा दूध लौटावा विवाह प्रथा इनके यहाँ चलती है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दूध लौटावा विवाह में क्या होता है कि जो बुआ या मामा के लड़के या लड़कियाँ होती हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके यहाँ अपहरण या एक पॉलीथर विवाह भी है, उसका भी इनके यहाँ प्रचलन है। इसके अलावा घोटुल प्रथा एक होती है इनके यहाँ। घोटुल एक्चुअल में एक संस्था होती है जो अविवाहित युवक युवतियों के लिए होती है। ठीक है, और इसमें विवाह के पूर्व भी आपस में प्रणय संबंध बना सकते हैं, जैसा कि लिव इन रिलेशनशिप जो टाइप का कुछ होता है, उस हिसाब से ये आप समझ सकते हैं इसको। तो एक होटल प्रथा होती है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, इनके त्योहारों की अगर हम बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात करें, तो देखिए एक मेघनाद त्यौहार ये सेलिब्रेट करते हैं, एक बिंदकी एक त्यौहार इनका होता है, हरिटी एक त्यौहार होता है, और जवारा मड़ई, ये सारे जो त्यौहार हैं वो इनके होते हैं। नृत्यों की बात करते हैं तो नृत्य में जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, इसके अलावा सैला, बिरहा, कहरवा, ये सारे जो नृत्य ये भी
करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आपका कर्मा नृत्य है विश्व का प्रथम ऐसा लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया है। विश्व का प्रथम ऐसा लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा इनके यहाँ एक सजनी और दीवानी नृत्य भी होते हैं, सजनी और दीवानी महिला प्रधान नृत्य होते हैं। और आपका जो कर्मा है, ठीक है, वो भी आपका एक महिला प्रधान नृत्य ही है, ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ें जो थी, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगला है, हमारा हाल ही में तीर्थ दर्शन योजना में गुरु नानक देव साहिब के कितने आस्था स्थलों को जोड़ने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। तो अभी हाल ही में जो तीर्थ दर्शन योजना है उसमें टोटल 5 जो गुरु नानक देव साहिब यानी कि गुरुद्वारे जो इनके हैं, इनके तीर्थ होते हैं, ये लोग भी जैसे हमारे हिंदुओं में तीर्थ होते हैं वैसे इनके यहाँ भी तीर्थ होते हैं, तो उनको 5 ऐसे स्थलों को भी हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ा गया है। और अभी गुरु नानक देव साहिब का जो 550वां प्रकाश पर्व आएगा उसमें इनको जोड़ा जाएगा। और ये जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, देखिए, एक नांदेड़ महाराष्ट्र में है आपका तख्त सचखंड हुजूर साहिब, पंजाब में जो आनंदपुर है वहाँ पर है केशगढ़ साहिब, पंजाब के बठिंडा में है एक दमदमा साहिब, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है पौंटा साहिब और मणिकर्ण साहिब, ये प्रमुख हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो स्टेट याद रखने होंगे और इनका नाम याद रखना होगा कि कौन सा किस स्टेट में है। इसके अलावा कुछ और इस एक मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिए गए हैं, उसमें एक निर्णय हुआ कि जो राम वनगमन पथ है उसके लिए 84 कोस परिक्रमा के लिए 5 करोड़ रुपये जो हैं वो स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा कामदगिरी कॉरिडोर और गुप्त गोदावरी इनके विकास के लिए भी 1-1 करोड़ रुपये भी दिए गए। इसके अलावा पुजारियों को भी तीर्थ दर्शन यात्रा की सुविधा दी जाएगी और उन्हें गौशाला चलाने के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। हम अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 2012 में जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। और सबसे पहली ट्रेन जो तीर्थ यात्रियों को लेके गई थी, 60 साल का होना चाहिए तीर्थ यात्रियों को, और इनके साथ एक व्यक्ति इनकी सहायता के लिए निःशुल्क जा सकता है, मतलब दोनों निःशुल्क जाते हैं लेकिन एक व्यक्ति को ये अपने साथ ले जा सकते हैं। 3 सितंबर 2012 को सबसे पहली ट्रेन भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है वहाँ से सबसे पहले कहाँ के लिए, रामेश्वरम के लिए गई थी। अच्छा, इसमें हम बात करें अगर तो बहुत सारे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, हरिद्वार, अमरनाथ, शिरडी, तिरुपति, अजमेर शरीफ, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला, मतलब ऐसे अलग अलग बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जिनको जोड़ा गया था। बाद में 2017-18 के करंट अफेयर की बात करें अगर हम, तो 2017-18 में भी कुछ जोड़ा गया था, जैसे आपका जो गंगा सागर है इसको इसमें जोड़ा गया है, कामाख्या देवी का मंदिर जो है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है, गिरनार जी को जोड़ दिया गया है, पटना साहिब को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही उज्जैन और आपका ओमकारेश्वर और आपका महेश्वर और चित्रकूट, ओरछा, मेहर, ये सारे जो स्थल हैं ये भी हाल ही में 2018-17 में जोड़े गए हैं। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के परिसर में जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाए गए मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किसने किया। तो मध्य प्रदेश पवेलियन का भी हाल ही में जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। और मैग्निफिसेंट एमपी समिट जो है 2019 का भी चल रहा है, 17 और 18 डेट में ही हुआ है आपका, सॉरी 18 और 19 तारीख को चला है, 2 दिवसीय। तो इसमें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जो है उसके परिसर में मध्य प्रदेश पवेलियन का इन्होंने शुभारंभ किया है। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी स्थल है उस पर निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। देखिए, मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकते तो अलग अलग इनका प्रदर्शनी स्थल बनाया, वहाँ पर उन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया। इन कार्यों में एक इंटीग्रेटेड कमांडेंट कंट्रोल सेंटर इंपॉर्टेंट है, पीथमपुर का स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर की नर्मदा शिप्रा लिंक आधारित जल प्रदाय योजना, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल और 25.77 करोड़ रुपए लागत के आईटी सेंटर सिहासा को इसमें शामिल हैं जिनका इन्होंने शुभारंभ किया हुआ है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, मंडीदीप की कितनी औद्योगिक इकाइयों पर कुल 10.7 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। तो ये जो सौर संयंत्र हैं ये हैं टोटल आपके 164, कितने, 10.7 मेगावाट क्षमता के, ठीक है। तो टोटल 164 जो औद्योगिक इकाई हैं, फैक्ट्री हैं या मतलब इस तरीके का जो काम वहाँ पे हो रहा है, 164 औद्योगिक इकाइयों पर 10.7 मेगावाट क्षमता की सौर संयंत्रों की स्थापना करी जा रही है। और मध्य प्रदेश में ये जो
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये काम करा जा रहा है और शून्य निवेश आधारित रेस्को मॉडल के तहत ये सौर संयंत्रों की स्थापना करी जा रही है और देश में इस तरह की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, और ये किया जा रहा है राज्य ऊर्जा विकास निगम और औद्योगिक केंद्र विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में। ठीक है, तो ये चीज आपको भी पता होना जरूरी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का जो सुप्रभा कार्यक्रम है इसके अंतर्गत गूगल ड्राइव पर इनका एक डेटा रूम भी बनाया गया है और इसमें सौर संयंत्रों की स्थापना से संबंधित सभी तकनीकी और औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय जानकारी को प्रदर्शित किया गया है। औद्योगिक इकाइयों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से वर्ल्ड बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रायोजित लाइन ऑफ क्रेडिट से घटी हुई ब्याज दरों पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह भी आपको पता होना चाहिए, पूरे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रदेश में कहां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी हमने शायद इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तब वो मैंने जबलपुर के पोर्टल पे देखा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जबलपुर में हो रहा है। तो प्रदेश में ये पहली बार, मतलब मध्य प्रदेश में तो एक बार हो चुका है, जबलपुर में ये पहली बार हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में तीनों जगह पर हो रहा है, जिसमें आपका जबलपुर, रीवा और सागर, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दें, लास्ट एक पेपर मैंने देखा था व्यापम का, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि खजुराहो महोत्सव में किसकी प्रस्तुति, मतलब कथक नृत्य या कोई नृत्य था उसमें किसकी प्रस्तुति हुई, तो उसके हिसाब से मैं पूरा करंट अफेयर मैंने इसमें तैयार किया है। देखिए, 14 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना चलाई जा रही है उसका ही एक हिस्सा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। 14 से 21 अक्टूबर 2019, मतलब एक हफ्ता, ठीक है, एक हफ्ता पूरा ये आपका चलने वाला है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का जो सागर खंड है उसका समापन विशेष कार्यक्रमों के साथ हुआ, मतलब अभी हाल ही में ये परसों सागर खंड का जो समापन है वो हो चुका है, जबलपुर में हो चुका है 14 और 15 तारीख को। उसके बाद परसों हुआ है, परसों यानी कि 17 तारीख को ये हुआ है आपका सागर खंड का भी समापन हो चुका है। इसके अलावा सरोज वैद्यनाथन की भरतनाट्यम प्रस्तुति इसमें हुई है। ठीक है, ये पूरा डेटा जो है मैंने PIB की वेबसाइट जो है उससे लिया हुआ है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने मुख्य मंच पर मिट्टी के लाल बैनर तले परंपरागत लोक नृत्य प्रस्तुत किया है। दूसरे दिन की जो शुरुआत है वो जबलपुर के प्रसिद्ध कथक नर्तक नीलांगी कलांथे की प्रस्तुति से हुई है। दूसरे दिन की प्रस्तुतियों का अंत जो है वो गैमी पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक राम की शानदार प्रदर्शन और प्रसिद्ध डॉक्टर सतेंद्र सरताज की प्रसिद्ध पंजाबी सूफी संगीत प्रस्तुति से हुआ है। इसके अलावा रीवा में ये महोत्सव का आयोजन 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को किया जाना है। इतनी चीजें आप पढ़ लीजिए, देखिए हर चीज को याद करना जरूरी नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर के प्रसिद्ध कथक नर्तक भी हैं लांगी कलांथे। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। अब चूंकि इन्होंने अभी प्रस्तुति दी है तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि नीलांगी कलांथे प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का ही प्रश्न पूछा जाए, ठीक है ना, तो स्टैटिक जीके में आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक थर्ड 2019 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, इसमें वैसे तीन तरीके की रैंक आई है, जो मेन रैंक है वो मध्य प्रदेश की वो है 14th, 14वीं रैंक इसमें मिली है भारत नवाचार सूचकांक में। और मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग ने ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए संस्थान कौन, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम इनोवेशन इंडेक्स, इसको जारी किया है। और इसमें जो कर्नाटक है वो भारत में सर्वाधिक अभिनव प्रमुख राज्य, मतलब इसमें जो निवेश है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस दृष्टि से देश के 10 प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु मतलब दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरा, तेलंगाना चौथा, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। शेष 10 प्रमुख जो राज्य हैं मुख्यतः दक्षिण एवं पश्चिम भारत में ही केंद्रित हैं।
ठीक है, सिक्किम और दिल्ली क्रमशः पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सिटी राज्यों, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर हैं। दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश कच्चे माल को उत्पादों में तब्दील करने के मामले में सर्वाधिक दक्ष राज्य हैं। इसमें आपका कच्चे माल से उत्पाद में तब्दील करने के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश को इस सूचकांक में रैंक मिली है 14th। इसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इस लिस्ट में आखिरी पायदानों पर हैं, ये सबसे आपका नीचे है। तो ये गाइस था पूरा हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करते रहें। थैंक यू।